क्रिएटिव हाउस डिजाइन आइडियाज टू मेक योर हाउस यूनिक। यूनिक डिजाइनिंग की बात करूंगा, देखिए राइट हैंड साइड में हमारा कैमरा भी है और यूनिक फीचर्स में टीजेटिंग में बोल रहा हूँ वो यूनिक डिजाइनिंग दे रही है। हमने छोटी छोटी पॉइंटर लाइट्स का वर्क, प्रोफाइल लाइटिंग का अल्टीमेट डिजाइनिंग। आप मॉडर्न एलिमेंट्स की बात, पेंट्री यूनिट बीच में पड़ा तो उसको बेज और ब्लैक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आज आप देखेंगे क्रिएटिव डिजाइन आइडियाज, जैसे आपकी बैक वॉल में नजर आ रहे हैं कि क्रिएटिव डिजाइन आइडिया से कैसे आपका घर यूनिक बन सकता है और 25x50 के अंदर ये घर है, 140 गज के अंदर और अल्टीमेट डिजाइनिंग और अल्टीमेट लुक के साथ एक यूनिक डिजाइनिंग आइडियाज और छोटी छोटी फीचर्स और छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर यूनिक बन सकता है। देखिए अब इसकी फ्रंट एलिवेशन, इसके घर का द्वार, घर के द्वार में हमने फ्रंट एलिवेशन में इसमें ग्रे कलर की डिजाइनिंग का वर्क किया है। राइट हैंड साइड में देखिए पूरा का पूरा ग्रे कलर का पैटर्न बना है, बीच में हमने डार्क ब्राउन कलर की डिजाइनिंग की है और लाइट में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी ग्रे कलर का, सिर्फ बीच में सेंटर में यूनिक सिर्फ डिग्री में 8 फुट की चौड़ाई में ये जो एरियाज है सिर्फ डार्क ब्राउन टाइलिंग का वर्क है और सारा का सारा आपका ग्रे कलर का लुक आ रहा है। यूनिक डिजाइनिंग की बात करूंगा, देखिए राइट हैंड साइड में हमने लोहे का एक स्ट्रक्चर बनाया टॉप पे जो यूनिक स्टाइल दे रहा है आपको, लुक डिफरेंट दे दी उसने। उसके साथ जो वाइट का कॉम्बिनेशन है ना बीच में ग्राउटिंग की है ग्रे के साथ, वो अल्टीमेट यूरोपियन स्टाइल की डिजाइनिंग दे रहा है। उसके साथ ब्लैक ब्राउन डार्क ब्राउन टाइलिंग के अंदर भी हमने जो यूनिक स्टाइलिंग की है ग्राउटिंग की, जो वाइट ग्राउटिंग मैं बोल रहा हूँ वो यूनिक डिजाइनिंग दे रही है। उसके बाद तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारी ग्रे कलर की ग्रिल्स, ग्रे कलर की ग्रिल्स के साथ यहाँ पर हमारा नॉर्मल डिजाइनिंग है हमारे गेट की, लेकिन ग्रे कलर के साथ उसके अंदर हमने फाइबर की शीट लगा दी है जो लुक में अल्टीमेट डिजाइनिंग। ये छोटे छोटे लैंप्स आपको यूनिक डिजाइन दे रहा है घर को। अब चलेंगे इस घर के अंदर, इस घर के अंदर एंटर किया, यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट आपको ग्रीट कर रहा है और यहाँ पे एक वेलकम हमने यूनिक फीचर में डाला हुआ है कि वेलकम बोल रहा है, ये हमारा कैमरा भी है और यूनिक फीचर्स में टीजे हैं। उसके साथ जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ग्राउटिंग वाला एरियाज हैं, यहाँ पे डार्क ब्राउन और वाइट की सुंदर ग्राउटिंग, एल शेप की विंडो आजकल की जो डिजाइनिंग चल रही है, यहाँ पे हमने बाउंड्री वॉल ना बनाते हुए प्लांटर्स का इस्तेमाल किया है कि आपके घर के अंदर ही गार्डन बन गया है। देखिए 140 फुट 25 फुट ना यहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली 25-50 फुट यहाँ से स्टार्ट होता है। लोग मुझसे पूछते हैं सर ये भी एरिया इंक्लूडेड, नहीं 25x50 के अंदर ये वर्म एरिया आपको एक्सक्लूडेड रहता है। उसके साथ यहाँ पे डबल पॉइंटर के लैंप्स का काम है जो कि यूनिक स्टाइल आपको देगा। उसके बाद आजकल की मॉडर्न टाइलिंग का वर्क जो मैंने आपको बताया था, तकरीबन 8 फुट की चौड़ाई में ये एरिया जहाँ पे सिर्फ डार्क ब्राउन कलर का वर्क है यूनिक स्टाइलिंग में। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि आपका वाटर टैंक, वो वाटर टैंक उधर बना हुआ है, उसके साथ यहाँ पे वाटर के लिए मोटर जो आपको टॉप तक जा रही है, तो छोटी छोटी स्पेसेस में एक वाइट कलर की ग्रीटिंग, सारी लाइट ग्रे का काम यहाँ पे वाइट कलर की हमने सीलिंग डिज़ाइन की है जो लुक में अल्टीमेट लुक दे रही है। यहाँ पे वाइट कलर का जो मार्बल है अच्छा लुक देता है। अब यहाँ पर मेन गेट है जो कि हमने मैश विंडो का काम किया है। अब चलेंगे इस घर के अंदर। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल, सो फ्रेंड्स लेट्स गो एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। एलिमेंट से और फीचर से हमारा घर यूनिक डिज़ाइन आइडियाज़ बन सकता है। देखिए एक छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे, हमने पीवीसी का यूज़ किया है और पीवीसी में हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग का अल्टीमेट डिज़ाइनिंग आपको रखे, एल शेप में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं अल्टीमेट फील दे रही हैं आपको। सिमिलरली यहाँ पर भी एलिमेंट ऐड किया है जो पार्टीशन में स्लाइडिंग पार्टीशंस बनी है, उसमें बीच में हमने छोटी छोटी पॉइंटर लाइट्स का वर्क कर दिया गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सीलिंग के अंदर हमने छोटा सा एक शैंडलियर लगा दिया गया जो यूनिक एलिमेंट प्रदान कर रहा है, साथ में छोटे छोटे पॉइंटर लाइट्स के साथ सुंदर डिजाइनिंग का काम है। एल शेप का विंडो जिसमें हमने ब्लैक कलर का टिंटेड ग्लास लगाया है और सराउंडिंग्स आपको व्यूज दे रही है, सराउंडिंग व्यूज आपको नजर आ रहे हैं। नीचे हमने सिंपल वाइट मार्बल का वर्क किया है, कोई ग्रेनाइट नहीं लगाया, कुछ नहीं, सिंपल वाइट मार्बल जिसमें लुक में अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन के साथ सिमिलर वॉलपेपर का काम किया है। वही मैं बता रहा था कि एलिमेंट्स छोटे छोटे यूज करते हुए आप यूनिक डिजाइन आइडियाज देख रहे हैं। 25x50 के अंदर ये हमारा जो ड्राइंग डाइनिंग है तकरीबन 12 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबा एरिया जहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम है, ये इसके साथ ही अटैच हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में हमने पीवीसी माइका का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने कॉपर पत्ती का इस्तेमाल किया जिससे यूनिक स्टाइलिंग और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और यहाँ पे ये पीवीसी बेसिकली पीवीसी के ल्यूवर्स आ रहे हैं आजकल, तो पीवीसी ल्यूवर्स का काम जिसमें हमने
में सुंदर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क। इसके बाद चलेंगे इसकी अटैच मॉड्यूलर किचन के अंदर। देखिए इसमें बीज कलर का वर्क है और ग्रीटिंग्स दे रहा है हमें, बुला रही है किचन की। क्या यूनिक एलिमेंट्स की बात करूंगा, यहाँ पर भी हमने सुंदर सुंदर स्मॉल डिजाइन आइडियाज में की ब्लैक कलर की शेल्फ्स रखी हैं टिंटेड ग्लास के साथ, उसको बेज और ब्लैक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बीच में, मतलब मिक्सचर ऐसे कर दिया कि वो ब्लेंडिंग में अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क है, उसके साथ हमने डार्क ऑरेंज कलर का हमारा ग्रेनाइट का वर्क है। और सिमिलरली यहाँ पे आजकल की मॉडर्न टच वाली जो सॉफ्ट एनक्लोजर वाली चीज़ें हैं उसके साथ यहाँ पे आपका गैस पाइपलाइन का वर्क, एंटी नॉइज़ वाली सिंक, यहाँ पे आपके सारे के सारे वेंटिलेटेड एरियाज के साथ फ्रंट एलिवेशन में चीज़ें खुल रही है। यूनिक एलिमेंट्स की बात करूँगा, एक छोटा सा लैम्प आपके लिए ग्रीटिंग्स दे रहा है, उसके बाद आपकी चिमनी एरियाज अच्छी लुक दे रही हैं, उसके साथ प्रोफाइल लाइटिंग और ब्लैक कलर के साथ जो उसको मिक्सचर किया है ना, डिफरेंट लुक दे दी ना किचन ने। 6x8 की एक लंबी चौड़ी किचन, उसके साथ हमने यहाँ पे प्रॉपर पेंट्री यूनिट, जो मॉडर्न एलिमेंट्स की बात पेंट्री यूनिट, बीच में प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क। देखिए ये चीज़ें ना यूनिक स्टाइलिंग में और यूनिक डिज़ाइन आइडियाज कैसे आप घर के अंदर कर सकते हैं उसके अंदर बता पा रहे हैं। फर्स्ट बेडरूम में चलेंगे अब, यहाँ पर आपके इंटरनल डोर हमने प्रॉपर पॉलिश का काम किया और 8 फुट की ऊंचाई पे आपके ये डोर्स है। उसके बाद चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम। देखिए फर्स्ट बेडरूम में हमने वॉलपेपर्स का काम किया है बैक एंड पे, छोटा सा यूनिक डिजाइनिंग है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने जो वार्डरोब्स हैं, आज की डेट में वार्डरोब चल रहे हैं, उसमें ग्रे और ब्लैक और बीच में हमने पट्टा दे दिया गया वाइट कलर की माइका का, लुक अच्छा दे दिया। यही चीज़ें आपको यूनिक बनाती हैं घर को। सुंदर फ्लूटेड माइका का काम है यहाँ पे और यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब्स के साथ, जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क यूनिक डिज़ाइनिंग के साथ। यहाँ पर भी हमने ग्लास लगाया हुआ है, यहाँ पे आपके आ जाता है ल्यूवर्स, इसी ल्यूवर्स के साथ हमने LED टीवी यूनिट बना दिया, एक छोटा सा लैम्प, नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन। देखिए वाइट कलर की सीलिंग है, जितनी नॉर्मल रहती है उतना यूनिक। 12x10 का एक लंबा चौड़ा कमरा आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अटैच वॉशरूम, ये 4x6 का एक वॉशरूम है जिसमें हमने 2x4 की टाइलिंग का वर्क है। जितनी बड़ी ग्रैंड टाइलिंग होती है उतनी अच्छा लगता है, और मैट फिनिश की टाइलिंग जिसमें सिंपल लाइट कॉपर कलर के ग्रेन्स का काम और ओवरहेड तक कर दी गए सो डेट कि आपको लुक में अच्छा नजर आए। यहाँ पे आपके प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेसिस के साथ ये घर एज इट इज मिलेगा। तो जब भी आप यूनिक डिजाइनिंग की बात करें, छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे जैसे आपकी मैश विंडो है, तो ये क्या है कि आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल का ब्रांड होना चाहिए, कि ब्लेंडिंग ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा घर बंद सा कर दिया। आपको मॉडर्न लुक में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो ट्रेडिशनल वर्क भी करें साथ के साथ। इसके साथ ही आपके सेकंड बेडरूम में चलते हैं। सेकंड बेडरूम भी स्पेशियस हमने बेडरूम, इसमें हमने वाइट और ब्लैक के साथ ब्लेंडिंग की है। देखिए वाइट माइका का कितना अमेजिंग वर्क है और ब्लैक कलर के बीच में ट्रेडिशनल चीज़ें, वाइट और ब्लैक का कितना सुंदर काम है। देखिए यहाँ पे वाइट कलर का माइका आपका खिल के आ रहा है और ब्लैक कलर बीच में है। अगर जो आप उल्टा कर देते ना, यहाँ पे ब्लैक कलर की माइका कर देते यहाँ पे वाइट, तो वो दब जाता। ये है कि यही मॉडर्न ट्रेंडिंग डिजाइन है, आपको कैसे करना है। उसके पीछे भी वॉलपेपर भी वाइट और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन सिमिलर, ऊपर टॉप पे सीलिंग डिजाइन जिसमें हमने एक्वा कलर की लाइटिंग का वर्क किया और नॉर्मल लुक में रखा गया है, सिंपल लुक में। इसके साथ ही यहाँ पे ल्यूवर्स का काम, ब्लैक ल्यूवर्स और वाइट के साथ कॉम्बिनेशन, छोटे छोटे पॉइंटर लाइट्स, वेंटिलेटेड स्पेसेस, आपको कूलर रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है बॉस। ऐसा नहीं कि कूलर अब यहाँ पे फिटिंग हो सकती है, नहीं, सिंपल एसीज के काम है। एसी के साथ हमने मॉडर्न ट्रेंडिंग डिजाइंस के साथ वही बता रहा हूँ कि की है। उसके साथ चलेंगे अटैच वॉशरूम, 4x6 का ये भी वॉशरूम, इसमें हमने लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया है और उसको कंबाइन कर दिया है डार्क ब्राउन के साथ वेंटिलेटेड स्पेसेस के साथ। इसके साथ ही बैक कोर्टयार्ड एरिया स्पेसेस हैं जहाँ पे आपके हमने 4 फुट तक की ऊंचाई पे आपके बेसिकली हमने टाइलिंग कर दिया और ओवरहेड तक ऊपर तक खुला हुआ है। तो सिंपल डिजाइनिंग और नॉर्मल लुक में कैसे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं और मॉडर्न यूनिक आइडिया, छोटे छोटे यूनिक आइडिया से कैसे आपका घर यूनिक और अल्टीमेट हो सकता है, ये वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाए हैं। अभी हमने देखा इसका ग्राउंड फ्लोर, अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जो कि सिमिलर ही चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा क्योंकि हम चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं लुक वाइज अल्टीमेट। अब यहाँ पर भी हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को स्टेयर्स जा रही है जिसमें हमने स्टील रेलिंग का वर्क है और वाइट का मार्बल का वर्क है और बीच में सैंडविच पट्टी बना दी हुई है जो लुक में अच्छी लग रही है। उसके साथ ही यहाँ पे हमारा MCB यूनिट्स के एरियाज हैं, यहाँ पे आपकी चिमनी की पाइपलाइन वगैरह आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन ग्लास का वर्क कर दिया गया है और ये आपका बेसिकली एक पैशियो एरिया है जहाँ पे आप आराम से इंजॉय कीजिए। आप मान लो बारिश हो रही है बॉस, आपको आराम से आपको
एरियाज का नजारा नजर आ रहा है इसके अंदर भी। फ्रंट एलिवेशन में देखिए जो यूनिक चीजें आपको नजर आ रही थी, यहाँ पे वाइट ग्राउटिंग का वर्क, यहाँ पे भी जैसे वाइट ग्राउटिंग, तो वो यूनिक चीजें नजर आती हैं, अपना बोल जाती है। उसके साथ ही चलेंगे अंदर फर्स्ट फ्लोर की एरियाज की तरफ, जहाँ पे आपके 3 bedrooms आपके लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बेसिकली ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया आ जाता है। इसके साथ ही हमारा जो ड्रॉइंग रूम था उसको हमने एक बेडरूम बना दिया अगर यूनिक स्टाइल में। हमारी इसके अंदर सीलिंग डिजाइन है, देखिए कितना गोलाई शेप में, आजकल कर्व शेप में चल रही है उस तरीके की डिजाइनिंग के साथ ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। छोटे छोटे लैंप्स देखिए, वही यूनिक आइडियाज, सिंपल ब्लैक लैंप्स, येलो कलर की लाइटिंग, उसको अच्छी अल्टीमेट फिनिश के साथ। और फिनिश की बात करूं, देखिए कितना सुंदर इसके अंदर आपको अपनी स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है आपकी किचन, जो मॉड्यूलर किचन है, इसमें हमने प्रोफाइल लाइटिंग के वर्क के साथ वर्किंग। उसके साथ यहाँ देखिए कितना सुंदर 4th bedroom है, जिसमें हमने सुंदर वॉलपेपर का काम किया गया, सुंदर डिजाइनिंग के साथ। यहाँ पे भी प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेसेस। अब 5th bedroom की तरफ चलेंगे, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे नक्शा था, सिमिलरली 5th bedroom देखिए कितना फील अल्टीमेट दे दिया। इसमें हमने वुडन टाइलिंग का वर्क किया जो कि लुक अच्छा दे रहा है। वाइट के साथ कॉम्बिनेशन दिया है माइका का, जिसमें हमने पट्टा का काम कर दिया, जैसे कॉपर की पट्टी आती है ना उस तरीके की टी पट्टी का काम, जो लुक में अल्टीमेट डिफिनेशन। उसके साथ यहाँ पे सुंदर हमारी पीवीसी का वर्क। तो आज हमने देखा यूनिक स्टाइल डिजाइन आइडियाज 5 BHK का हाउस, और कैसे आप अपने घर को छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करके अपना घर को यूनिक और बढ़िया बना सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेस्ट काम कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्राउटिंग, छोटी छोटी चीजें जो हम बताते हैं, मेरा दावा है इंटरनेट पर कोई नहीं बताता कि ये क्या चीज बनाई है। तो हम इंटीरियर्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटीरियर को जानते हैं, तभी हम कर पाते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।